नो बूम। अभी थोड़ा रास्ता भी किसी का रोक लेंगे ना, इशू करना है यार बहुत। अभी एक बंदा ना यहाँ से पिक्का निकाल के लेके गया है। On the other side of my vehicle there. क्या करें यार, कोई पार्किंग नहीं मिल रही, फेड अप हो गए। ओए सबका अपना अपना महत्व है इसको लेके, सो अपने अपने हिसाब से अपने अपने आपको विश कर लो हमारी तरफ से। कनाडा में जब आपको दिवाली का सामान लेना होता है, जो ग्रोसरी वगैरह या दिवाली का प्रोडक्ट होते हैं उसको खरीदने के लिए पंजाबी स्टोर होते हैं। सेम एज इंडिया वांगू। और हमने जो दूसरा नया पंगा ले लिया है गाड़ी का, भाई मैं जा रहा हूँ बैंक में, बैंक वालों से कर्जे की बात करने के लिए जा रहा हूँ कि भाई कर्जा दोगे कि नहीं दोगे। कर्जे के लिए बोलते हैं, और भाई एक तो जब भी एक गाड़ी में बैठती है ना लॉक लगा के बैठती, तेरे को कौन से गुंडे पकड़ के लेके जा रहे हैं। जिंदगी में एक चीज असूर रखना अपना, जब भी आप आओगे जितना मर्जी लोन ले लो कनाडा में, आप घर ले लो, आप गाड़ी ले लो, अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग है कि आपने घर लेना है तो गाड़ी लोन पे नहीं लेनी, पहले घर फिर गाड़ी। हाँ, बड़ी गाड़ी लोन पे। अगर किसी ने सिंपल सी वाले किसी ने अभी घर नहीं पाया किया, वो बड़ी गाड़ी नहीं ले, वो 5-7-10-15 हजार वाली गाड़ी के अंदर अंदर रहो, आराम से घर की मॉर्गेज हो जाएगी। नहीं तो घर की मॉर्गेज बहुत मुश्किल होती है। क्रेडिट कार्ड है ना आपका। हाँ। आपकी कोई भी चीज है, किसी की भी किस्त टूटनी नहीं चाहिए, एक डॉलर भी आपको बैंक का देना है, टाइम टू टाइम देना है किस्त। बाबा जी की कृपा से सजे हम हैं। मैंने उसको बोला अंदर, मैं बोला अगर भाई आपने हाँ कर दी तो खुशी खुशी दिए लेके जाएंगे, अगर आपने ना कर दी तो थोड़ा सा मुंह नीचे करके दिए लेके जाएंगे, लेकिन दिए तो हमने लेके ही जाने हमारी दिवाली है भाई। साग 198 का इंडिया वाली है ना, इंडिया वाली सब्जी मिलती है भाई पंजाबी स्टोरों में से। मैडम कितने में निपटेगा आज? हमने तो स्टार्टिंग में यार। पंजाबी स्टोर में आपको कुछ भी चाहिए दिवाली का, कुछ भी चाहिए सब मिलेगा। ये पेठा है, पेठा बस कर। तेरे बाल ऐसे हो जाएंगे। जान को पूछ क्या गंडा बम है। भाई गंडा बम चलाने में इतना मजा आता था ना इंडिया में, वो ऐसे हाथ में पकड़ के ठा ठा। भाई कौन सा बर्तन चाहिए, सारे बर्तन है यहाँ पे। इंडिया से आने के टाइम में कोई ज़्यादा चीज़ लेके आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो लेडीज लोग आती हैं प्रेशर कुकर अपना साथ में लेके आओ। नहीं, प्रेशर कुकर में इंडिया से अपना फिर चूरा का लेके आई थी। यहाँ पे मिलता है यहाँ पे। अच्छा, मिलता सेम है? ही पे जाता है सेम 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 ही, नहीं लेके आओ, नहीं लेगा, कैंसिल कैंसिल। ये देखो रोटियां पकाने वाले तवे, हाथ लस्सी वाले गिलास लेने थे। ये कोई हाल है किसी बंदे को झूठ मार के ले गए दिए लेने। इधर देख लो लागे की प्यार है, देख लो वेलने पे है इधर, तू रहने दे वेलने। ये भाई हमारी ट्रॉली का हाल देखो, आ जा उनको भी एक घंटा लगना है इसका बिल करने में। किसी और की गाड़ी लेके आऊं मांग के? हैं, गौर से देखो इसका चेहरा। ये लेनी आई है सिर्फ दिए और दीपावली का सामान, और ये पूरे घर का राशन लेके ही घर वापस जाएगी। ये पूरा इंडिया के हिसाब का बिल है देखो। वो बोलते हैं हमारा पेपर खत्म हो गया अंदर से, इतना सामान ले लिया, चिंग मिंग करके भाई देखो कितना हो गया। जितना भी आया लेकिन आया सारा घर का सामान ही है। जितने भी पंजाबी स्टोर होते हैं ना, सारे पंजाबी स्टोरों ने डिस्काउंट लगाया होता है भाई दिवाली के टाइम के ऊपर। भाई दिवाली पड़ गई 40-45 हजार में। अकेली आती ना ये, तो ये सिर्फ 2-4 आइटम लेके वापस जाने वाली थी। इसके पास में सिर्फ 2 या 3 लिफाफे होंगे गिनती के। ये आया है कर्ण का पार्सल। And key return here. Your parcel. आगे? Yes. शुक्र है ब्रावो। Oh my God. मेरा लगा रहा। Finally भाई मेरे favorite वाले एक और pair shoes आ गए भाई। कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा? साला मैं
गाली निकली कट 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 कट। अरे मैं तो साफ बन गया। तू कहीं फर्क नहीं है फर्क सेम ही है जमीन समान का फर्क है। दो हो गए तीन और लेने बस। नौ मैं ऐसा करने लगी हूँ अमेज़न पे अपना अकाउंट बना के ना इनको सेल कर दूंगी। नौ बजे लॉन्च हुए 12 बजे सोल्ड आउट 3 घंटे में। उठ पे जी तुझी ओके बाय। नहीं 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 आ मेरे को की हो गया जी। पापा कितने नहीं चले तू पापा का लीडर बना पापा का लीडर मम्मा का लीडर बना। पापा ने सिखाता नू देखो भाई हैप्पी दिवाली। सब दुनिया ने अपने अपने घरों के बाहर देखो लड़ियां लगाई हुई हैं। जो बंदे तो रात को काम करते हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग काम करते हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे मैं कभी अर्ली मॉर्निंग काम नहीं करता लेकिन आज मेरे को सुबह 3 बजे उठना पड़ा तो मेरा दिमाग जो है ना अभी भी सोया हुआ है। और ये देखो भाई कहीं से बूला भटका ये ट्रक अपने हाथ लग गया आज। भाई जी जैकेट टोपी डाल के टेम्परेचर माइनस में ठंड हो गई 2022 की दिवाली माइनस में जाएगी, लेकिन अभी ये मालूम नहीं किसकी जाएगी हाईवे के ऊपर और किसकी जाएगी घर पे। जैकेट टोपी डाल के भाई आ गया है वही बिल्लो टाइम। अभी वही टाइम आ गया ठंड वाला। क्या अजीब दुनिया है ये ट्रकिंग। जब आप घर में बैठे होते हो ना तब आप वेदर का मजा लेते हो, लेकिन जब आप रोड के ऊपर आ जाते हो ना तब वेदर का मजा नहीं लेते, तब आप वेदर को झेलते हो। कैलगरी जा रहा हूँ मैं, कैलगरी के रास्ते में वेदर बहुत बैड है। कैलगरी में आया था कल परसों एक बड़ा बड़ा स्टॉर्म, लेकिन वही स्टॉर्म अभी आ गया कैलगरी और विनिपेग के सेंटर में। आज मैंने चाहे वर्डन से उठाई है, ये 300 किलोमीटर पड़ता है विनिपेग से। अरे भाई कर ले तू भी ट्रैक चेंज, दे दे रास्ता भाई, छोटा भाई समझ के रास्ता दे दे भाई, अल्लाह का वास्ता है रास्ता दे दे। दे दिया भाई दे दिया। शादी देख के एंजॉय करके अभी बस स्नो को वेलकम करने का टाइम आ गया है। ऊपर वाले से अरदासें करके निकले क्योंकि अरे यार इसको अभी भी बीमारी है ये, आपको याद है ये वाली बीमारी का। नहीं नहीं गई गई, जब स्नो आती है जब स्नो जाती है ये दोनों लेवल बहुत खतरनाक होते हैं स्नो के। मैं 80 पे जा रहा हूँ, ये कार वाला इतनी स्लो स्लो मेरे को बट अच्छा। मैडम जी बहन जी अभी ओवरटेक वाली बातें जो है ना हमको छोड़नी पड़ेंगी। ये भाई ओवरटेक करते हुए जा रहा था, ये वाली लेन थोड़ी खराब है और सबकी स्पीड जो है 50-60 की है। कनाडा के वेदर का एक कानून है, अभी मेरे को भी मालूम नहीं नंबर मेरा भी लग जाए, मैं हर साल बोलता हूँ हर बार बोलता हूँ, अगर आपकी स्पीड कम है ना तो चांस ज्यादा है अपने पास में। और साड़ी तू ही है दिवाली साड़ी भाई, और एक बार भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना काम तो पीछे वाला ट्रेलर जो है ना काफी हल्का है मेरा, पीछे वाला ट्रेलर एक मिनट में ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा आराम से जा रहा हूँ। बाबा जी बड़ा करो यार, बाबा जी बड़ा करो। चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ भाई का, लेकिन ये कोई टो वाला आएगा खींच के रोड के ऊपर कर देगा। ये वाले टायरों के निशान के नीचे आपको ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाले टायरों के निशान के नीचे तो वो भी नहीं है। वो वाला ट्रैक तो खत्म हो गया क्योंकि अभी नॉर्थ वाली हवा आ रही है ना तो स्नो भी आ रही है ऊपर से। चलना है तो 40-50 पे चलो, नहीं चलना है तो रुक जाओ, लेकिन मेरे को अभी सुसु आई हुई है बड़ी जोर से, लेकिन अभी 20-30 किलोमीटर मेरे ख्याल में कोई भी नहीं आएगा और मेरी स्पीड 40 की है तो 1 घंटा और अभी मेरे को सुसु रोक के रखना पड़ेगा। जहाँ भी ट्रक खड़ा करना है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे वाले बंदे का ध्यान रखो, उसको अपने पास मत आने दो ज्यादा। अगर वो स्लो कर रहा है पहले से स्लो कर लो, ब्रेकें मार के स्लो नहीं होगा। 8 किलोमीटर के बाद में जाके राइट साइड में एक शोल्डर आएगा, वहां पे देखूंगा अगर रोड सही हुआ तो वॉशरूम हो जाएगा अपना। बाबा जी का नाम लगाओ और बस चलते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। सबसे पहले स्टॉर्म वाली वीडियो थी जिसमें हमारे ट्रक जो है खड़े खड़े ही हिल रहे थे। ये वाला जो ब्रिज है ना सामने, ये साल भी ये एरिया सबसे पहले बैड हुआ है। दिस इज रजाइना बलगोनी, और बलगोनी से जो यॉर्कटन को ब्रिज जाता है ना ये सारा एरिया वो है।
पीछे से मैं 500 किलोमीटर तक मैं 100 की स्पीड पे आया हूँ ऑलमोस्ट। इस ब्रिज के पास में अरदास वगैरह करनी पड़ेगी भाई, ये ब्रिज बहुत खराब करता है हर साल। ये ब्रिज का जो एरिया है ना, बस सिटी की लिमिट शुरू हो गई, तो अभी मेरे ख्याल में शायद कारों वालों को थोड़ा सा जोश आएगा, क्योंकि सिटी के अंदर सफाई थोड़ी सी बाहर से ज्यादा होती है। ओह आया एक शेर, हैप्पी दिवाली भाई। सिटी लिमिट है, अभी थोड़ा सा साफ भी हो गया, मेरे को यहाँ पे वॉशरूम भी करना है भाई, तो मैं पहले इंडिकेटर लगाऊंगा और आराम आराम से राइट साइड को अपनी पाई खींचनी है मैंने। एक ही दिन में देखो कैसा सिस्टम चेंज हो गया, कल बिल्कुल सूखे में विनिंग बैग में, और एक दिन में देखो जो बंदे लोकल सिटी में हैं वो दिवाली की प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं, और जो बंदे हाईवे के ऊपर हैं ड्राइवर, उनका उनकी हालत ही कुछ और है। कर लेने दो यार, कार वाला है कार वाला, क्योंकि यहां के अगर कोई बात होगी ना तो सरासर गलती मेरी है, क्योंकि मैं उनका रोड काट के उस तरफ जाऊंगा, तो मेरे को देखना पड़ेगा यहां पे। जाओ भाई जाओ जाओ जाओ, अभी थोड़ा रास्ता भी किसी का रोक लेंगे ना तो भी चल जाएगा यार, लेकिन सुशु करना है यार, बहुत जोर से लगी हुई है। ये ना पानी भर रहा है, देखो ट्रक का हाल हो गया बुरा भाई, मौसम गया अभी हाथ से बाहर, लाइटें बैठे तो सही है अपनी। एक बार वायरे देख लेते, वायरे रोड के ऊपर ही लगा के भाई, नहीं सही है यार। ओए होए लाइटों का क्या हाल चाल है, ये लाइटें भी सही है। कनाडा तुम तो ऐसा नहीं था भाई, ये कैसा हो गया। अगर मेरे पास जंतर हो ना, जंतर ट्रैक करने वाला, तो अभी मैं ट्रैक करके देखूं कि मेरे आसपास गाड़ियों में उनके जो ऑडियो सिस्टम है उनमें से उनमें क्या लगा हुआ है। जितने भी पंजाबी होंगे उनमें से मेरे ख्याल में 90% बंदों के ऊपर वाले का नाम मेरे हिसाब से ऐसे चल रहा होगा भाई। स्टॉर्म बहुत ज्यादा बैड हो गया, विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो गई एकदम आगे। आराम आराम से डीट होके बैठ जाओ, 30-40 30-40 30-40। वो वाला शीशा देखो, ये वाला तो वाइपर साफ कर रहे हैं, और ये वाला शीशा देखो घोड़े वाला ही साफ हो गया, घोड़े को खोपे लगाए उतना सीधा देखो, बस वही सीधा सीधा देखो और आराम से ट्रक चलाए जाओ। निगाह बहुत टिका के रखनी पड़ रही है आगे, क्योंकि आगे विजिबिलिटी अभी बिल्कुल डाउन होगी, आगे दिख ही नहीं रहा कुछ भी, कुछ मालूम नहीं। अभी ब्रिज के ऊपर जाके अगर बाइक रुक गई तो चक्कर भी चल सकता है। तो मैंने रियर डिफरेंशियल भाई इसका लगा दिया है, बाकी अभी देखते हैं क्या बनता है। भाई ब्रिज के ऊपर मत रुकना, ब्रिज के ऊपर मत रुकना, बेइज्जती बहुत होगी, पीछे लाइन लगी हुई है, अपने पीछे वाले बंदे सोच रहे हैं, जो आगे वाला बंदा है इसको बहुत मालूम है इसके पास में डबल ट्रेलर है। लेकिन मैं क्या बताऊं कि मेरी हालत क्या है। ओहो हवा का लेवल देखो ऊपर, ये देखो डर लग रहा है भाई। टू बैड, पहली स्नो इतनी बैड होगी मैं कभी इमेजिन नहीं किया था यार। इससे अच्छा तो घर भाई कंबल ओढ़ के सो जाते, फिर किसी और भाई ने उठाना था, फिर वो फंसता। आजा आजा भाई आजा, अकेली बॉबटेल लेके आया भाई, दिल निकाल के आ हा 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 भाई, ध्यान से ध्यान से। वैसे फायदा नहीं है कोई भी किसी को ओवरटेक करके ऐसे माहौल में। बस 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 रुक जा छोटे, रुक जा छोटे, रुक जा छोटे, रुक जा ओ शिंदिया, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, और रुक गया, और रुक गया, रुक गया। ओए ओ भाई ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ब्रेक मारने को दिल नहीं कर रहा, और पीछे वाला बंदा रुका कि नहीं रुका, और रुक जी भरावा, और रुक गया वो भी रुक गया। और मैं सोचता हूँ कि रोड ऐसे ही बंद रहे, ये देखो मेरा मेरी बाइक पीछे नहीं जा रही बिल्कुल भी, अभी यहाँ पे है वहाँ ही रहेगी, जो होगा देखा जाएगा। अभी बंद हो गया भाई रोड, इनको मूछा तक जाना है, आगे देखो सारी लहर लगी हुई है। हमारा तो कोई चक्कर नहीं, हमने तो कैलगरी जाना है, और मूछा मालूम है कितना है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट ले लेंगे ना, ये मूछा घुस जाएंगे। मेरे ख्याल में आगे एक स्टीप हिल है, उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रक स्टक हो गया या कोई ना कोई ट्रक घूम गया। मेरे को भी टेंशन हिलों की है, अभी सारा दिन स्नो ही पड़नी है आज। भाई साहब भाई साहब, अरे बाप बड़बक। अभी एक बंदा ना यहाँ से पिक्का निकाल के लेके गया है, तो ये सारे बंदे जो है ना लोकल मूछा वाले हैं, तो ये अभी देख रहे हैं कि अगर आप निकल जाएं तो ये सारे एक दूसरे के पीछे निकल जाएंगे। बी केयरफुल हाँ, अभी ये सब निकलेंगे, ये देखो सब लोकल बंदे, ये भी लोकल है, ये कार वाला भी लोकल है, तो वो देखो अभी इसको समझा रहा है कि भाई तू भी निकल,
क्योंकि कारों के लिए रास्ता है इस साइड में। अभी पहले ये निकलेगा जीप वाला भाई। कारों के लिए क्या मुश्किल है, ये तो हमारे है, हमारे के लिए क्या मुश्किल है, क्योंकि जो लोकल बंदे हैं सिटी वाइड उनको तो जल्दी जाना चाहिए भाई, उनका तो घर ही यहीं पास में। चल भाई ऑडी वाले दिखा तू भी अपनी ताकत। अरे क्या बात है भाई, तेरी 4x4 नहीं है, तू मत पंगा लेना भाई ऐसा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ नहीं, ये अल्बर्टा नंबर है। अभी ये भाई का क्या प्लान है भाई, इसको मालूम था कि यहाँ पे रोड है, इसने साइड पे निकाल के आराम से खड़ा कर लिया भाई। इफ यू आर गोइंग टू टाउन यू कैन गो, और इट्स ऑल व्हील ड्राइव, इट्स ऑल व्हील ड्राइव, यू कैन गो। इसने इसके बराबर ले आके खड़ा कर दिया। चल भाई तू भी जा। ये हमने कौन सा काम पकड़ा हुआ, बंदों को बता रहे हैं कि भाई ये रास्ता है ऑल व्हील ड्राइव है तो भाओ जाओ। हाँ भाई तेरी भी ऑल व्हील ड्राइव है? नहीं नहीं नहीं, कितने बंदे काम के लगा दिए हमने, जाके पकौड़े पकौड़े निकाल के चाय चूहे बनाओ, कॉफी कुफी बनाओ पकौड़ों के साथ में। हम तो फंसे ही है। वो ट्रक काफी दूर चला गया, डाउन पे खड़े है ना, जब ब्रेक से पैर उठाऊंगा तो बाइक अपने आप उठेगी आगे, वो आगे जाके खड़े कर लेंगे राम राम से। ये भाई साहब गाड़ी कहाँ से निकाल के लेके आए देखो। मजे ले रहे, मजे मजे मजे, वो बोल देना हाय हाय मजे। वो नीले वाला देखो इंटरनेशनल का लॉन्ग नोज है। मैंने कल ही भाई को बोल दिया था, मैं बोला अभी विंटर का टाइम है भाई, खाना वाना एक्स्ट्रा ही देना कि कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को सच में मेरे को ये चीज का अंदाजा नहीं था कि इतना बैड हाई भी होगा। मैं सोचा था थोड़ा सा वो पार्ट है, आराम आराम से निकल जाएंगे। पीछे कोई कार नहीं है अभी, वो देखो दिखाई दे। मेरे को इतना मालूम है कि अगर कल दोपहर कल रात तक भी हाईवे ना खुले, सिर्फ एक टॉयलेट की प्रॉब्लम होगी, बाकी सारा काम हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो आज रात 12 बजे तक बोलते हैं कि ऐसे ही स्नो रहेगी, बाकी देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि अच्छा है रोड इन्होंने बंद कर दिया। मेन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं बाइक वाला बंदा हूँ, मेरे को तो पार्किंग भी नहीं मिलेगी अंदर जाके, लपड़ा हो जाएगा बाद में। तो ये बंदे भी निकाल निकाल के आगे लेके जा रहे हैं ना, मैं डाउन हिल तक जाऊंगा, लेकिन मैं भाई अप हिल नहीं, अप हिल पे गाड़ी ट्रक खड़ा नहीं करूंगा, चाहे ट्रक निकल जाए चाहे ट्रक रह जाए। आगे ऊपर रोड मेरे को दिखेगा क्लियर है तो मैं फिर ऊपर जाऊंगा, नहीं तो मैं गलती नहीं करूंगा। डाउन हिल के ऊपर तो बाइक अपने आप निकल रही है, अप हिल के ऊपर कौन को बाद में भाई बुलाना है वहां पे, फिर टो वाला ही आगे निकालेगा। अभी अपना पंगा हो गया, उन्होंने सारी ट्रैफिक जो है वो शहर की तरफ अंदर को धकेल दी है, जैसे ट्रक निकल निकल के आ रहे हैं ना सारे ट्रक चले गए। लेकिन मैंने एक बार वहां पे जाके चढ़ाई पे ट्रक खड़ा कर लिया, तो भाई इसको चेन डाल के ही निकालना पड़ेगा। ये भाई लोग के साथ में दो पाप हैं छोटे छोटे, तो गेम फंस जाएगी भाई वहां पे, नहीं निकलेगा बाद में आपका ट्रक। अभी मालूम नहीं आगे पुलिस वाला खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। पुलिस वाला आएगा तो उसको पूछेंगे भाई भी LCB है कहाँ लेके जाऊँ, की मर्जी होगी, अगर बताएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैंने क्या बोला था आपको, अभी देखो सारे ट्रकों वालों ने राइट साइड में लाइन लगा ली ना, इस तरफ राइट साइड में। अभी ये पीछे से आ रहे हैं ना भाई साहब, इनको भी अभी आगे जाके रुकना पड़ेगा। ये हमारे बंदों में एक भेड़ चाल होती है, क्या होता है कि यार सामने पुलिस वाले खड़े हैं, वहां पे रैंप आज जो चढ़ाई है ना काफी स्टीप हिल है, वहां पे कोई ना कोई ट्रक जो है वो फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए टो वाला आया हुआ है, मेरे पास में से गया हुआ है। अभी मेरे को भी मालूम है मेरी हालात भी सेम होगी अगर मैंने एक बार ट्रक वहां पे रोक दिया तो। यहाँ पे मैं सेफ खड़ा हूँ, जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ आगे क्लियर है, मैं आराम से यहाँ से ट्रक उठाऊंगा, मेरा ट्रक चुटकी में उठ जाएगा, यहाँ पे फंसेगा नहीं। सिर्फ कारों के लिए टाउन में जाने के लिए जगह होगी, इतने सारे ट्रक और मेरे पास तो डबल ट्रेलर है, तो मैं तो टाउन में क्या करने के लिए जाऊंगा, मैं तो किसी और का रास्ता बंद करके बैठ जाऊंगा टाउन में जाके। समर स्टक ऑन द हिल, सो यू कैन पार्क नाउ इन फ्रंट ऑफ मी बिकॉज़ देयर इज वन LCV कैन पार्क देयर। मैं इसको बोल के आया हूं, इसके पास में LCV है, तेरी लग जाएगी LCV यहां पे। अभी पीछे एक और आ रहा है, अभी उसको मैं क्या बोलूं। यार बंदों में ना सबर नहीं है, डबल ट्रेलर चला रहे हैं हम लोग, डबल ट्रेलर यार ऐसे नहीं जा सकते हम लोग आगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अभी यहाँ तेरी LCV घुसेगी कैसे, तू अभी रोड ब्लॉक करेगा, वो वाला ट्रैक भी ये वाला ट्रैक भी। यार क्या करूं मैं, मेरे को अपने आप पे कभी हंसी आती है यार, सिंगल ट्रेलर वाला कहां से भी घुमाएगा। इसके पास में 253 ट्रेलर है, आगे वाला भी सिंगल, इसके पीछे कन्वर्टर है ना, देखो कन्वर्टर का एक ही टायर है, एक ही एक्सल है, तो एक एक्सल इट मींस कि पीछे वाला ट्रेलर ऑलमोस्ट एम्प्टी, ज्यादा वेट नहीं होगा इसके पास में। अभी भाई का ये ट्रेलर है और पीछे कारों वाले स्टक हो गए ना, अभी आगे कहां करेंगे, आगे जगह ही नहीं है यार। हैप्पी दिवाली भाई, चढ़ दी कला, हैप्पी दिवाली। अभी मेरा ट्रक फंस गया नीचे तो मेरे को पानी भी नहीं अंदर जाएगा, मेरे को मालूम है ड्राइवर बंदे का हाल क्या होता है जब उसका ट्रक फंस जाता है कहीं, देखेंगे अभी मेरे को मालूम नहीं आगे मेरे साथ क्या होना है, लेकिन फिलहाल मैं सेफ हूँ भाई। अरमान अरमान, आजा 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 आजा, अच्छा अच्छा अच्छा,
आजा ये जो भाई टैक्सी वाला है ना, ये वाला जो टैक्सी वाला है, मैं टैक्सी वाले के पास में अभी गया, ट्रकों वालों की ना इमेज के ऊपर ऐसे फर्क पड़ता है, अभी उसके अंदर जो ट्रक वाले की इमेज है ना वो खराब हो चुकी है इतने से टाइम में ही, उसमें गलती भी हमारी है, उसकी गलती नहीं है। अभी भाई टैक्सी वाला पूरा तत्ता हो गया, गर्म हो गया पूरा भाई, बोलता है Who the hell is this guy? बोला He is the same LCV driver like you. मैं कहा But मैं कहा That's not me. That's me. मैं कहा ये मेरा है, वो मेरा नहीं भाई। ये दो कार वालों को तो मैंने बड़ा कर दिया, मैं बोला भाई जा, टैक्सी वाले को मैंने बोला जा इस तरफ से आराम से तेरी गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि ये वाला शोल्डर है, तो ये तो दोनों गए। पुलिस वाला आया, पुलिस वाला। हेलो सर, आई कैन गो इन द टाउन? यू हैव टू, द हाईवे इज क्लोज्ड। इज देयर एनी पार्किंग और समथिंग, बिकॉज़ यू नो इट्स डबल ट्रेलर, सो इफ यू डोंट माइंड आई कैन स्टे हियर। इफ आई गो डाउन देयर इट विल नॉट गो ऑन। डू यू नो व्हाई? यू शुड प्रोबब्ली जस्ट गेट इन एंड देन पुल ऑफ टू द राइट इन ऑन द अदर साइड ऑफ माय व्हीकल देयर। देयर इज एन एग्जिट हियर, राइट? ओके, सो आफ्टर दिस कार? या आफ्टर दिस पुलिस कार, बिकॉज़ देयर इज मोर रूम ऑन द हाईवे, देयर इज एन एक्स्ट्रा लेन। ओके ओके भाई, बोलता है कि मेरी कार के पीछे पीछे जाके लगा लो, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या बनता है। ध्यान से देखो यार, पुलिस वाले की गाड़ी के बाद में ना ग्रेड शुरू होती है ऐसे ऊपर को, मेरे को बोलता है कि इसकी मेरी गाड़ी के पीछे जाके खड़ा हो जा, अभी देखता हूँ अगर आगे मानेगा ठीक है, नहीं तो फिर भाई टाउन के अंदर को सेल लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। व्हेन यू पुल आउट योर कार आई विल ग्रैब योर प्लेस। या आई एम नॉट मूविंग, आई गॉट नोवेयर टू गो, सो वी आर गोना सेंड वन सेमी थ्रू। If he can get through, then we're gonna get more going through. The town? Yeah, like staying on the highway. Yeah, uphill? Yeah. Yeah, yeah, sure. देख लो भाई, वो भी agree करता है। बोलता है हम एक एक ट्रक निकाल के देखेंगे वहां से, अगर निकलेगा तो तुमको भी निकलना पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं तो रेडी हूँ, देखो निकाल के। तो भाई लेते हैं बाबा जी का नाम, और ये वाली जो अपहिल है ना, इसको चढ़ा के फिर रोकते हैं। अभी पीछे से कोई नहीं आ रहा, बहुत ट्रैफिक आई भाई, इतनी ट्रैफिक आई मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन अभी आराम आराम से नीचे से जाएंगे, पहले देखेंगे आगे सारा क्लियर होता है, उसके बाद में थोड़ा सा भगा के फिर चढ़ाएंगे। रियर डिफरेंशियल जो है वो यहाँ से लगा लेते हैं, वैसे तो आगे रोड बंद है, लेकिन फिर भी ये वाला काम डन करके फिर खड़े हो जाते हैं। पंप दे जगह नहीं मिलनी, सीधी सीधी लाइन जी, सारा मैदान हमने फ्री कर लिया आगे से। अभी अपना ही नंबर है, देखते हैं। बाबा जी चढ़ दी कला, ये सारा देखो जमा हुआ है नीचे, जब भी चढ़ाई चढ़ानी है ना तो थोड़ा खींच के, जो होगा मंजूर है खुदा होगा बाबा जी, बड़ा करना। इसमें भी दो फंडे होते हैं, अगर आपके पास में पूरे फुल लोडेड है तो भी आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओए 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 ओए, ये देखो ये क्या है, साबुन जैसा, स्नो बनी है ना साबुन जैसी। अरे अभी अभी रुक भाई रुक, अभी अभी मत निकालना मेरे भाई। गई गई गई, बन गई बात, बन गई। ये भाई फंसा हुआ है मेरे ख्याल में, जब भी कोई आप ही लाभ के सामने ऐसी आती है भाई तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। ये भाई का ट्रक फंसा हुआ है यार, लेकिन मैं रोक नहीं सकता भाई, जहां भी सीधा सीधा रोड बंद होगा वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे आराम से। हर मैदान फतेह। इतने बड़े बड़े ट्राले हम लेके तो घूम रहे हैं, लेकिन जब पार्किंग का मसला बनता है ना फिर दिल बहुत उदास होता है कि यार कहाँ पे लगाएं इसको। यहाँ पे भी एग्जिट होता है, यहाँ पे भी एंट्री होती है, ये जो सेमी ट्रक एंड ट्रेलर होते हैं ये बड़े आराम से फंस जाते हैं कहीं भी। अभी मेरे ख्याल में इधर भी मसला बना हुआ है, वो भाई भी चेन डाल रहा है, देखो ये देखो हाल क्या है यार, यहाँ पे ट्रक कैसे जाएगा मेरे को ये समझ नहीं आ रही यार। नीचे मेरे को एक टेंशन थी, अगर बाद में स्नो फिर से ज्यादा हो गई तो वो वाली जो आप पेल है ना वो स्लिपरी हो जाएगी। ढूंढो भाई जगह, ढूंढो अभी कहाँ पे। ये उन बंदों की लाइन लगी हुई है, जो बंदे पंप के अंदर जाना चाहते हैं मूजा वाले फ्लाइंग जगह ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से जो बंदा पाइक वाला, जिसके पास में डीजल है, जैसे अपने पास में आधी टैंकी डीजल है, अपने पास में खाने पीने का सामान भी है, अपने को टॉयलेट जाने की अभी जरूरत नहीं है 8-10-12 घंटे, तो मेरे ख्याल में ये वाले बंदे गलत जगह पे खड़े हैं, क्योंकि जितने भी मैंने ट्रक देखे ना सारे एग्जिट के ऊपर ही फंसे हुए हैं। तो मेरे को तो यहाँ पे ये हाईवे 1 के ऊपर यहाँ पे कोई सेफ सी जगह मिली, मैंने तो वहाँ ही अंदर दबा के वहाँ ही रोक लेना है। अभी देखो अंदर के हालात देखो, यहाँ पे
अभी यहाँ पे ट्रक फंस गया भाई, मेरी कंपनी मेरे को टो देगी, एक सेकंड में देगी, क्योंकि मेरी कंपनी ऐसा नहीं करेगी भाई तुमने ट्रक फंसा दिया हाईवे के ऊपर खड़े हो, नहीं अगर मेरी गलती नहीं है। लेकिन मेरे को होगी, मेरे को क्यों टेंशन पालनी है फ्री की, मैं कोशिश करूंगा जब तक मेरे से कोशिश होगी मैं सेफ रहूंगा। वो ट्रक खड़े ना तीन, वो फ्लाइंग जगह एग्जिट है, फंसे हुए ना बंदे, बुरा हाल है यार, ट्रक वाले जाएं कहां पे। जो तो पंजाबी बंदे होंगे ना वो तो भाई अंदर अंदर बोल रहे होंगे यार क्या लोड उठा लिया, घर बैठ के आराम से पकौड़े खाते और चाय पीते क्योंकि दिवाली का टाइम है। ये भाई भी फंसा हुआ है यहाँ पे, इसके टायर ने भी स्लिप निकाल दिया। ओए 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 ओए, यहाँ पे रोड बंद होगा, ट्रकों वालों की लाइन जरूर लगी होगी, उस लाइन के पीछे जाके रोड के ऊपर सेंटर में खड़ा करते हैं, कम से कम सीधा सीधा खड़े होंगे और रोड के ऊपर होंगे ना तो टो वाला भी जल्दी आएगा पुलिस वाले के कहने पे अगर जरूरत पड़ी तो। ये भाई डेले देखो, डेले ये देखो, ओ काफी ज्यादा स्नो पड़ गई भाई उम्मीद से बढ़कर। सारी रात रुकना पड़ेगा, रीपर का तेल चेक करना पड़ेगा भाई। हाँ भाई कैसा है, सही है? मिनी बैग से आए थे, छोटी छोटी टांगे थी, कितनी बड़ी टांगे हो गई इनकी। ठंड है भाई, दुनिया देखो, ओह पीछे तक दुनिया खड़ी है। हमारे पास तो खाने पीने का सामान होता है भाई, कारों वालों के पास में वो भी नहीं होता। पार्किंग ढूंढते ढूंढते मैंने 30-40 किलोमीटर सफर किया है, 15 मिनट हो गए मेरे को ट्रक रोके हुए। मैं एक बार ट्रक मूव करके देखूंगा, सही है ना माहौल। कारों वालों का तो मेरे को जायज लग रहा था सारा काम, ये काम तो भाई साहब ने बहुत ज्यादा उल्टा कर दिया। जा भाई आगे, आगे क्या है, आगे कैसे जाएगा मेरे को ये समझ नहीं लग रही। मैंने अपने बीच ना जगह रखी थी कि आगे वाले बंदे से मेरा फर्क रहेगा, लेकिन मेरे को समझ नहीं लग रही ये बंदे कहाँ जा रहे हैं, या कहीं पीछे से एक और आ रहा है, कहाँ जाएगा वो, आगे वाले खड़े हो गए ना। हाँ जा भाई, जा आगे, दुकान लगी हुई आगे, या तू लूट ले भाई जाके जो दुकान तूने लूटनी है। अभी जाओ आगे, मैंने लाइटें मारी है तेरे को, खुजली महकमा है सारा ये। वो भाई दूसरी साइड वाला रोड है जो विनी पैक को लोग जा रहे हैं ना, वो वाला रोड है, देखो कितने आराम से ट्रक जा रहा है, स्नो देखो कैसे उड़ रही है। सारा कुछ जाम जुम करके मैंने अपने आगे जगह रखी थी, अभी मेरे पास 5 फुट जगह भी नहीं आगे करने के लिए। देख लो भाई, पार्किंग ना मिलने के चक्कर से, और जब डबल ट्रेलर चलाते हैं तो उसके हिसाब से हमको रोड के ऊपर ही रुकना पड़ रहा है। खाना भी जल्दी जल्दी, सिर्फ सब्जी गर्म की है, रोटियां गर्म की है, और ध्यान मेरा फिर भी आगे कि आगे किसी भी टाइम ट्रक निकलें, क्योंकि रोड के ऊपर खड़े हैं, उस तरफ से ट्रैफिक बहुत आ रही है, लेकिन इस तरफ से ट्रैफिक अभी उतनी जा नहीं रही। 130 किलोमीटर का जो ये वाला पैच है ना, ये बहुत बुरा है। मैं तो बोलता हूँ ना खुले, लेकिन मेरे को पार्किंग मिल जाए साइड में लगा के तो मैं पेशेंस वाला बंदा हूँ, साइड पर लेके सो जाऊंगा। लेकिन जब से भाई मैंने मन में आज पहली बार सोचा कि पार्किंग मिल जाए, पार्किंग में सो जाते हैं, पहली स्नो है क्यों पंगे लेने, लेकिन नहीं बात मर रही यार। अगला एपिसोड देखने के लिए जो बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके जाना अगर यहाँ तक आपको कुछ भी अच्छा लगा। ट्रक ड्राइवरों की दिवाली है सिर्फ रोटी और सब्जी से निकलेगी मेरे ख्याल में। मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी और अच्छी सी वीडियो में, टिल देन अपना और अपने पर का ख्याल रखना, रब रख। भाई बताओ देख के क्या महसूस होता है कि कहाँ पे चल रहे हैं, कुछ मालूम पड़ रहा है? कच्चा पेया बना हुआ है सड़क का, स्नो का, बस उसमें ऐसे घिसरते घिसरते चले जा रहे हैं। कब कहीं पे रुकेंगे और बाद में टायर चलेंगे या नहीं चलेंगे, बुरे फंस गए पूरे। यहाँ पे 2 ट्रैक हैं तो अभी देखो सिंगल ट्रैक है, मुश्किल से मालूम नहीं दूसरा ट्रैक गया कहाँ पे, अभी पूरी रात ऐसे ही जाने वाली है, आई डोंट नो। ये भाई बहुत नजदीकी मामला है, एक तरफ कार है एक तरफ ट्रक है, मालूम नहीं मेरी बाइक बीच में से जाएगी या नहीं जाएगी। भाई जा लेने दे, जा लेने दे, ना जोर लगा ना जोर लगा, तेरे आगे रिक्वेस्ट है भाई। ओ ये एक और कार गिरी हुई यार, क्या करें यार, कोई पार्किंग नहीं मिल रही, फेड अप हो गए, इतने बहादुर हो गए, अभी वो ट्रक से बहुत मुश्किल से निकाल के लेके आए, अभी मेरे को मालूम नहीं ये कौन आ रहा है आगे से। ये देखो शिट मैन, भूत है। ओ, ये मेरे ख्याल में कोई पीछे से ट्रक वाला होगा, निकल के आगे गया, कितनी ठंड में गोरा होगा पक्का ये। It's a long line. Long line? So we have to sleep night. I'm trying to get to work to clean the highway. I'm trying to relieve the guys from the day shift. So you are the snowblower guy? Yeah. Oh, thank you. He's the man who will clean the road tomorrow. Best of luck, man. We'll see ya. अजय मुक्या नहीं, अभी यहाँ पे हूँ भाई। ये बंदा आपको समझ आ गया होगा बहुत सारे बंदों को, लेकिन कई एक दो भाई मेरे जैसे भी जिनको बहुत ज्यादा इंग्लिश मालूम नहीं पड़ती, ये बोल के गया कि मैं हूँ रोड साफ करने वाला, स्नो ब्लोअर वाला, जो पीले पीले गाड़ियां लेके घूमते ना वो वाला। बोलता है मेरे पास SUV कार है, मैंने दिन वाले बंदे को छोड़ना है, मेरी रात की शिफ्ट है, लेकिन
मेरे आगे एक दो ट्रक वाले बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे करके खड़ा किया और रोड ब्लॉक कर दिया। दैट इज वाई मैं मिशन चलाता हूँ कि कम से कम एक साइड में रखो रोड के, आपके साथ में कार तो गुजर जाए यार। तो सलूट है भाई इन लोगों का जो अपनी जॉब के लिए बंदे के पास में गया, अभी वो बोल रहा कि मैं किसी और रास्ते से आऊंगा तेरे पास, ये बंदा उसको काम से छोड़ेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि अपने को रात यहाँ पे सोना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छी बात है। मैंने वीडियो में पहले बोल दिया, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। ऊपर वाले से यही अरदास है हर एक बंदा ऐसे रोड में से भाई सही सलामत घर चला जाए। ये क्या रोड है यार, ये तो डर लगने वाले रोड है। देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे डबल हाईवे है, एक ट्रैक है यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक दो ट्रैक होते हैं, एक ही ट्रैक रह गया। देखो We could be chillin' on the sofa.